इतना तड़पाया है, इतना तड़पाया है, रास्ते में 2 से 3 बार आंखें नम हुई। फाइनली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हम करीब 9 बजे मध्य महेश्वर पहुंच गए। मध्य महेश्वर पहुंचने के बाद फ्रेश होने के लिए हम प्रधान जी के होम स्टे पर रुके। हमारा प्लान था कि 11 बजे तक दर्शन करके वापस आ जाएंगे और फिर बूढ़ा मध्य महेश्वर चलेंगे और वहां से 2 बजे तक वापस आकर रांची के लिए निकल जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हमने रूम में सामान रखा, फिर बाहर आकर इन पहाड़ों को देखा। ऐसा लगा मानो ये पहाड़ कह रहे हों कि आज वापस मत जाओ, हमें जी भर के निहारो। चलो अब तुम्हें यहाँ की कुछ जानकारी बता देते हैं। यहाँ पर है नंदी कुंड पीक। मध्य महेश्वर से नंदी कुंड 27 किलोमीटर दूर है। नंदी कुंड के आगे है पांचनी पीक, फिर आती है धौला खम्भीर पीक। धौला खम्भीर के पीछे साइड पड़ता है कल्पनाथ या कल्पेश्वर, जो कि पांचवें केदार हैं, और यहाँ पर पड़ता है रुद्रनाथ और फिर यहाँ पर है तुंगनाथ। लोकल लोग कहते हैं कि मध्य महेश्वर से रुद्रनाथ का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। वैसे रुद्रनाथ जी का ट्रैक मंडल गांव और सागर गांव दोनों ही जगहों से किया जाता है। आज हमारी एक ख्वाहिश पूरी हो रही थी और दूसरी तैयार। ये ख्वाहिश थी मध्य महेश्वर से रुद्रनाथ जाने की। महादेव का आशीर्वाद रहा तो ये ख्वाहिश भी जल्द ही पूरी होगी। भैया आग तापनी हो तो यहाँ आ जाओ, यहाँ भी लेटने की व्यवस्था है, लेट जाना। ये हैं गोंडार गांव के पूर्व प्रधान, जो अब मध्य महेश्वर जी में अपना होम स्टे चलाते हैं। गोंडार वही गांव है जो रांची से 6 किलोमीटर चलने के बाद आता है। प्रधान जी ने हमारे लिए चाय बनाई, हमने चाय की चुस्कियों के साथ साथ प्रधान जी से खूब सारी बातें की। उन्होंने हमें अपने फोन में एक वीडियो दिखाया। ये वीडियो तब का है जब मध्य महेश्वर जी के कपाट खुलने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी बर्फ है। बातें करते करते कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। फटाफट से हम तैयार हुए और मंदिर के लिए निकल पड़े। कोई नहीं, तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और तैयार होने के बाद अब मंदिर बंद होने वाला है। दोपहर में 11:30-12 बजे तक बंद हो जाता है, तो हमने प्रसाद ले लिया है। प्रसाद की थाली रेडी है हमारी और शिखा भी आ रही है फटाफट से, और अभी हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। जब हम मंदिर पहुंचे तो भोग लग रहा था। भोग लगने के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, जो शाम को आरती के समय खुलते हैं। लेकिन पंडित जी ने हमें भोग के बाद भी दर्शन करने दिए ताकि हम महादेव का आशीर्वाद ले पाए। शिव सिर्फ नाम नहीं है, शिव के 2 शब्दों में पूरी सृष्टि बसती है। शिव जब आपके अंदर समाते हैं तब आप दुनिया की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। महादेव के पास आकर उनके दर्शन करके एक चिंगारी सी दौड़ जाती है शरीर में, रोम रोम खिल जाता है। कभी भोले के दर आकर देखना, ओम नमः शिवाय का जाप करके देखना, तुम्हारी सारी दिक्कतें पल में गायब हो जाएंगी। एक अलग सी एनर्जी दौड़ेगी तुम्हारी बॉडी में, एक अलग ही आनंद मिलेगा तुम्हें यहाँ। शिव वो हैं जिनका ना आदि है न अंत, वो सबके हैं।
फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, टीका लगा है ये देख सकते हो। और देखो ये खाने लग गए हैं खाना, मुझे भूख लग रही है इतनी जोरों की, अभी आपको दिखाती हूँ ये क्या कर रहे हैं। भाई थोड़ा वेट कर लो हमारा, क्या है ये? आलू का पराठा, अचार, चाय। हाँ हाँ हम लोग खा लेते हैं फटाफट से, फिर शाम को मिलते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस रूम पर आए, नाश्ता किया और फिर मैं अकेले निकल पड़ा बूढ़ा मदमहेश्वर के सफर पर। मदमहेश्वर से बूढ़ा मदमहेश्वर करीब 1.5 किलोमीटर है। ये सामने आप पर्वत देख रहे हो, यही पहाड़ चढ़ना है पूरा, तो चलते हैं और मिलते हैं ऊपर पहुंच के। तो वो देखिए नीचे शिखा है, वो खड़ी है। तो अभी हम थोड़ा ही चले, ये देखिए क्या खूबसूरत नजारे हैं। सूर्यदेव सनसेट देखना है बूढ़ा मदमहेश्वर से, इस पूरे पर्वत को चढ़ना है और इसके पार दिखेगा चौखंबा पीक्स। नीचे से जिसके लिए आए थे आखिरकार उसका पहले दर्शन हो गया। ये रही चौखंबा पीक्स, चढ़ाई चढ़नी है वो ऊपर जाना है। और ये नीचे से आए हैं, वो गांव दिख रहे हैं वो, वहां से आए हैं और वहां जाना है, तो चलो चलते हैं। इन पहाड़ों की हवा में एक नशा सा है जो मुझे कहीं से भी इन तक खींच ही लाता है। एक बात बताऊं, अभी हमारी उम्र पहाड़ों पर चढ़ने की है, तो जी भर के इन पहाड़ों पर चढ़ लो, इनका मजा ले लो, क्योंकि गोवा तो तुम बुढ़ापे पे भी चले जाओगे। चलो अब आपको इन चोटियों के बारे में बताते हैं। ये है चौखंबा, जिसके तीन हिस्से तो सामने से दिखेंगे लेकिन एक हिस्सा पीछे साइड पड़ता है। इसके पास में है जन्हूकुट पीक, फिर आती है स्वच्छंद पीक, फिर सतोपंत, मंदानी पर्वत, भागीरथी पर्वत, पहला वाला मेरु सुमेरु पर्वत है और उसके पास में है नीचे साइड में खर्चा कुंड। इसके बाद है ये केदारनाथ डोम और केदारनाथ डोम के पास पड़ता है केदारनाथ मेन, जहां पर हम भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। हमारे वीडियो शेकी होंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि हमारा पूरा शूट केवल एक फोन से हुआ है। महादेव का आशीर्वाद रहा तो ये पूरी यात्रा फिर से करेंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी और ड्रोन वाले विजुअल्स के साथ। कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कीजिएगा। इस यात्रा में आपको जो भी दिखाया है या आगे दिखाएंगे वो सब दिल से बनाया है और आप तक पहुंचाया है। चलो इस बुग्याल को आखिर तक देखा जाए। ये पल मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत पलों में से एक थे। पता है इन पहाड़ों पर चढ़कर मुझे एक एहसास हुआ कि जब आपको ऊंचाई पर जाना हो तो झुकना ही पड़ता है। यहाँ बैठकर मैंने सभी चोटियों को जी भर कर देखा है। हम कितनी ऊंचाई पर आ गए थे इसका अंदाजा आप इन पहाड़ों को देखकर लगाइए, जो हमारे सामने छोटे छोटे से दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखना कि कैसे सनसेट के समय चौखंबा अपने रंग बदल रहा है, कितना मनमोहक दृश्य है ये। बूढ़ा मदमहेश्वर में सनसेट और सनराइज के किस्से सुना करता था और देखो आज सनसेट देखने का सपना भी पूरा हो गया, लेकिन सनराइज देखने की कसक दिल में बाकी थी।
सोचा अगली बार आऊंगा तो यहीं टेंट लगाकर रात बिताऊंगा और फिर सनराइज देखूंगा। पूरा सनसेट तो नहीं देख पाया क्योंकि पहाड़ों पर सनसेट के बाद अंधेरा जल्दी हो जाता है और रास्ता बेहद खराब था, तो अंधेरा होने से पहले हमें मंदिर तक पहुंचना था। सनसेट पूरा तो नहीं देखा लेकिन जितना भी देखा जी भर के देखा है। नीचे आया तो मंदिर में शाम की आरती चल रही थी। आरती में शामिल होने के बाद हम वापस रूम पर आए, रात का खाना खाया और सो गए। फिर अगले दिन सुबह 7 बजे पद्महेश्वर जी से निकलकर वापस रांची पहुंच गए। बाय। तो पद्महेश्वर जी की जो यात्रा थी वो हमने पूरी तरीके से कर लिया। अब हमारा दूसरा सफर शुरू होता है ऊखी मठ के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं वहाँ, और अभी भी सरप्राइजेस बहुत सारे बाकी हैं। हाँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ।